लुसाका के लिए जा रहे हैं और यहाँ की रोड देखो यार, वहाँ 8 Kwacha 4 भाई 8 Kwacha का है, 8 × 32 42-43 रुपए का 750 ml पानी का बोतल। पहले इसको खाना खिलाते हैं, मार्केट वगैरह बाद में एक्सप्लोर करेंगे। ऐसे हालात यहाँ पे अफ्रीका में काफी जगह मिल जाएंगे। या लेट्स गो। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं हूँ, मुझे खुद को ही नहीं पता यार कहाँ पे हूँ मैं। अभी हम लोग जा रहे हैं जो नाकोंडे बॉर्डर था ना, तंजानिया और जाम्बिया का, तो वहाँ से लुसाका के लिए जा रहे हैं और यहाँ की रोड देखो यार, वहाँ नाकोंडे बॉर्डर पे तो इतना घटिया रोड था और ये अभी एकदम शानदार वाला रोड बनाया, अभी बनाई है। तो नाकोंडे जो बॉर्डर है ना, वहाँ से हमारी बस चल रही थी सुबह 3 बजे और अब दिखाता हूँ आपको हमारी बस जर्नी। आज के पूरे दिन हम बस में सफ़र करने वाले हैं शाम तक 7 बजे तक। और यहाँ पे सर्दी बहुत ज़बरदस्त वाली है यार। अभी 5 तारीख है 24 जून और यहाँ पे सर्दी इतनी ज़बरदस्त वाली है। गाइज ये कोई पहला बस स्टैंड है, काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा बस स्टैंड है। इस बस स्टैंड का नाम क्या है? मपीका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मपीका कोई डिस्ट्रिक्ट है, मपीका जिला है, वहाँ पे बस स्टैंड है। और यहाँ पे बस स्टैंड का व्यू कुछ ऐसा है यार, आप देख लो, काफ़ी अच्छा, कितना खूबसूरत बस स्टैंड है यार। काफ़ी कुछ बनाना परचेज कर लेता हूँ, कुछ संतरे परचेज कर लेता हूँ। ये देखो संतरे, How much? 8 Kwacha 4 8 Kwacha 1 Oh, भाई 8 Kwacha का है, 8 × 32 And banana? Banana is 10 Kwacha और ये है 10 Kwacha का। Okay, give me one. भाई इतना महंगा जाम्बिया, यहाँ तो ट्रेवल करना मुश्किल हो जाएगा जाम्बिया में। How much for one? 5 Kwacha 2 Kwacha 5 Kwacha 2 Kwacha Yes. This is 2 Kwacha ये 8 रुपए का है, ये 5 × 20 ये 20 22 रुपए का ये है यार। ओके गिव मी वन। यस हाउ मच? 15 Kwacha हाउ मच? 15 Kwacha पैक। नो नो आई डोंट वांट होल, आई वांट हाफ। अरे पाप ये तुम प्रॉब्लम में ना पैसो। बोटल 750 ml पानी का बोतल है, ये 10 Kwacha का लगभग हो गया, 42-43 रुपए का 750 ml पानी का बोतल। भाई इतना महंगा जाम है। या फर्स्ट टाइम इन जाम्बिया। या आई एम फ्रॉम इंडिया। अभी ड्राइवर भैया से बात हो रही है, ये बोल रहे हैं 8 बजे पहुंचेंगे हम लोग लुसाका। ये आप लोग टमाटर देख रहे हैं कैसे सजा सजा के रखते हैं टमाटर को। ये भी यहाँ भी तंजानिया जैसी, तंजानिया में भी ऐसे ही छोटे छोटे मार्केट, और केन्या में कमी देखने को मिले थे ऐसी मार्केट, बुरुंडी में भी ऐसे मार्केट काफ़ी थे, लेकिन बुरुंडी में ऐसा नहीं था, यहाँ से इससे बहुत बैकवर्ड मार्केट थे, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। हम लोग ऑलमोस्ट कापरी मापोसी है ना, वहाँ पर पहुँच गए हैं। कापरी मापोसी से लुसाका का लगेगा लगभग 3 घंटे, तो अभी तो काफ़ी टाइम बाकी है यार, हमें अभी तो 3 घंटे का सफ़र तय करना है कापरी मापोसी से। ये कापरी मौसी का सफ़र यहीं पे ख़त्म, अब मिलता हूँ आप लोगों से दूसरा काम में। अभी रात का टाइम हुआ है 11:10 और अभी 11 बजे लाके यहाँ पे बस ने ड्रॉप किया है। मुझे टाइम बताया 7 बजे शाम को आप लोग पहुँच जाओगे लुसाका, लेकिन अभी टाइम हो गया 11:15, हद हो गई यार। द कॉस्ट 45
ओके वन लार्ज यस। भाई यहाँ पे काम बन गया है, खाने पीने का तो काम चल गया है। अब मैं मेरे हॉस्टल को जाऊँगा बैकपैकर्स लुसा का बैकपैकर्स है, तो एक बार वहाँ पे और पहुँच जाऊँ, यहाँ से पैक करवाऊँगा और अभी वहीं ले जाऊँगा। क्या हालत हो रखी है यार, आज सुबह से नाना भी नहीं हुआ मेरा। ये तो इन लोगों का भगवान भला करे, थे इन लोगों ने अब तक 11:30 बजे तक अपनी दुकान खोल के रखी है, बाकी सारा मार्केट बंद हो गया, एक बंदा तक नहीं दिख रहा घूमता हुआ मुझे मार्केट में। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी मैं हूँ जाम्बिया की राजधानी कैपिटल लुसाका में, और अभी यहाँ पे मैं लुसाका बैकपैकर्स में ठहरा हुआ हूँ जो हॉस्टल है, और ये है जहाँ हॉस्टल अभी हम ठहरे हुए हैं वो। तो अभी मुझे यहाँ पे एक दिन का स्टे और एक्सटेंड करवाना है, और ये रिसेप्शन पे अभी तक भी कोई नहीं आया। मैं है जो कल कहीं नहीं निकला, क्योंकि मैं परसों मेरी लगभग 20 घंटे की बस जर्नी थी, तो उसके बाद मैं कहीं भी नहीं गया क्योंकि थकान इतनी थी या 20 घंटे की जर्नी करने के बाद थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो अभी एक बार स्टे एक्सटेंड करवा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा बाहर थोड़ा, आज लुसाका को घूमेंगे। हॉस्टल के बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, यहाँ पे रात पार्टी शार्टी होती रहती है, वो बियर की बोतलें रखी है। एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है हॉस्टल का, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, आप लोग पार्टी शार्टी कर सकते हैं। पार्टी शार्टी करने वाले ये बियर बार है, ये छोटा सा स्विमिंग पूल बना रखा है, स्विमिंग पूल पे नहाने का मन हो, लेकिन अभी यहाँ पे ठंड ज़बरदस्त वाली है। ये देखो हवाएं चल रही है यहाँ पे, ठंड शीत लहर चल रही है मान के चलो। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट वगैरह घूमने, और थोड़ा सा मुझे कुछ चीज़ें भी परचेज़ करनी है, तो वो भी मैं परचेज़ कर लेता हूँ। और सोचा कुछ परचेज़ करना है तो यहाँ का आपको आइडिया भी दे दूँ कि लुसाका ये जाम्बिया है जो है कितना महंगा, एक्सपेंसिव, वैसे काफ़ी महंगा है यार। और यहाँ पे श्री स्वामीनारायण का मंदिर भी यार है, हिंदू पैलेस ऑफ वर्शिप, तो आप लोग मंदिर में भी घूम सकते हैं। वैसे फ़ोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है अंदर, लेकिन बाद में घूमूंगा मैं इस मंदिर को। यार अभी मैं रास्ते से जा रहा था, ये भाई है ना एक, ये पढ़ा था, मैंने पूछा भाई क्यों पढ़ा है यहाँ पे, बेचारे को खाना नहीं मिला बोल रहा है। समझ पा रहा हूँ मैं ऐसे लैंग्वेज तो नहीं समझता, लेकिन जो गेस्चर कर रहा है उसे समझ पा रहा हूँ कि काफ़ी दिन से भूखा लगता है मेरे को, अभी इसको ले जाऊँगा थोड़ा खाना पीना खिलाऊँगा ले जाके। तो अभी ले पहले इसको खाना खिलाते हैं, मार्केट वगैरह बाद में एक्सप्लोर करेंगे। यार ऐसे अफ्रीका में आपको हर जगह ऐसे हालात देखने को मिल जाएंगे, बुरुंडी में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे मुझे यार, बुरुंडी में तो हर जगह ऐसे हालात थे, लेकिन बुरुंडी के लोग जो काफ़ी सही थे। सो अभी इसको ले जाता हूँ खाना पीना खिलाता हूँ। देखिए ऐसे हालात यहाँ पे अफ्रीका में काफ़ी जगह मिल जाएंगे यार, ये देख के ना काफ़ी बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है ऐसे हालात जब देखने को मिलते हैं ना। या लेट्स गो कम। बेचारे से चला भी नहीं जा रहा है यार ढंग से। अभी इसको ले जाऊंगा, खाना पीना खिलाऊंगा, मार्केट वगैरह देखता हूँ, फिर टाइम मिला तो जाऊंगा। वैसे आज संडे है, संडे के दिन है जो कोई मार्केट वगैरह ज़्यादातर बंद ही रहते हैं यार यहाँ पे। देखो आप देखो सामने व्हीकल्स वगैरह रोड पे काफ़ी कम है, इसका मतलब ये अपन आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट वगैरह ज़्यादातर बंद ही होंगे यहाँ के। देयर इज फूड देयर और देयर देर कम कम दिस साइड कम। ये सामने कोई पिज्जा हट वगैरह दिख रहा है, आसपास मुझे और कुछ तो दिखा नहीं। देखो भाई खाने पीने के लिए, और ये पिज्जा दिखा है तो मैं यहीं पे थोड़ा सा इस भाई को खिला पिला देता हूँ यार। आई डोंट नो दिस वन इज चिकन ओके नो ड्रिंक। ये देखो यार इसकी हालत देखो आप कैसे हो रखी है बेचारे की। पिज्जा आ गया भाई, टेक लेट लेट काफ़ी होगा इसके लिए यार, काफ़ी होगा इसके लिए, आराम से पेट भर जाएगा छोरे का, आराम से पेट भर। ओके सी यू या यू कैन ईट ओके। अब उस बंदे को आई बोलता हूँ बाबा मैं दे आया उसको। तो अभी मैं यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे शॉपिंग मॉल में जाता हूँ, मुझे कुछ परचेज़ करना था। मेरा टावल वो जो किगोमा में रह गया था, किगोमा में फिर मैं बीच में ले ही नहीं पाया, कहीं टाइम ही नहीं मिल पाया। तो अभी देखता हूँ यहाँ से मुझे कुछ टावल वगैरह खरीदना और थोड़ा बहुत और कुछ सामान वगैरह परचेज़ करने हैं, तो एक बार वो परचेज़ कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ यहाँ पे
आज का वैसे कोई प्री प्लान नहीं है कि आज जहाँ वहीं जाना है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत। और यहाँ का जो शॉपिंग मॉल है उसके बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, ये यहाँ का पार्किंग है शॉपिंग मॉल का। और ये सामने कोई पिंक एंड पे ये कोई शॉपिंग मॉल है, इसके अंदर चलते हैं फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ के शॉपिंग मॉल कैसा क्या होता है, जान लिया कि ये है यहाँ का शॉपिंग मॉल। एप्पल देखो भाई कितने महंगे हैं, 69.9 लगभग 70 क्वाचा पर केजी। ये कच्चे वाले एप्पल है जो 49, ये वाले हैं जो 60 क्वाचा पर केजी, बहुत महंगा यार। और ये देखो 50 क्वाचा पर केजी ऑरेंज, पता नहीं इतना महंगा हो गया जाम्बिया जाएगा कहाँ पे, इतना महंगा है यहाँ पे। लोग मुझे लगता है एसेंशियल जो डे टू डे लाइफ की जो थिंग्स होती है यूज के लिए, वो बेचारे परचेज ही नहीं कर पाते होंगे। और मुझे यहाँ से कुछ फ्रूट वगैरह परचेज कर लेता हूँ यार। देखे 1 kg ये ख़रीद रहा हूँ भाई 29 रुपये, 29.99 क्वाचा का है ये 1 kg जो अभी मौसम में ख़रीदी है वो 29.99 30 क्वाचा ही मान लो यार, ये 99.99 रखते हैं कई जगह, राउंड फिगर में 99 रखेंगे, पॉइंट में 99 रखते हैं। ये देखो ये पैक मैंगो जूस 35 क्वाचा। अभी यहाँ पे मॉल में वो कुछ इंडियंस मिल गए थे, मैं उनके साथ बातचीत कर रहा था, तो वो कुछ पंजाब से थे कुछ न्यू दिल्ली से थे, तो बता रहे थे बहुत महंगा है। वो भी पहले यही सोचते थे आने से पहले कि ये बहुत सस्ता होगा, लेकिन जाम्बिया 4 गुना महंगा है इंडिया के कंपैरिजन में, बात करूँ तो लगभग 4 times एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है इंडिया से। टॉवल का प्राइस है 110 क्वाचा, तो आप 110 × 4.6 कर लेना कितना होता है, काफ़ी महंगा हो गया वैसे। वैसे जाम्बिया में क्या यार, पूरे ही अफ्रीका में इंडियंस बहुत सारे मिल जाएंगे। अभी यार यहाँ पे जो ज़्यादातर मार्केट है ना वो ज़्यादातर बंद ही है, तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ सामान वामान खरीद के टॉवल ख़रीदना था, कुछ मौसमी वगैरह परचेज करके मैं वापस हॉस्टल को जा रहा हूँ। वेर इज हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर? इट्स फार, इट्स अबाउट मे बी 45 minutes वॉकिंग। सो यू विल गो योर होम और यू विल गो टू हॉस्पिटल? आई वॉन्ट टू गो टू हॉस्पिटल, नो इट्स इनसाइड। भाई ये भाई है जो बोल रहा है यार, इसको बस वस ने टक्कर मारी है, तो पता नहीं यार झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, लेकिन ये रो रहा है। तो ये बोल रहा है कि मुझे ना घर तक पहुंचने के लिए कुछ पैसा चाहिए, मैं देखता हूँ यार दे देता हूँ, अब क्या ही करूँ मैं यार, मैं क्या करूँ, यहाँ पे इन लोगों पे तरस आ ही जाता है, भले झूठ बोल रहा हो भले सच बोल रहा हो, मैं एक बार पैसे निकाल देता हूँ यार। ये बोल रहा है कि इसको कल किसी बस ने टक्कर वक्कर मारी है, इसको हॉस्पिटल, कभी बोलता है हॉस्पिटल जाना है, कभी बोलता है घर पहुंचना है। अब पता नहीं यार वो सच बोल रहा था झूठ बोल रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ना दया सी आ जाती है। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय टेक केयर, मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो में नए व्लॉग में।